हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITFITech यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ECIL की तरफ से ITI स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके पहले नेवी ट्रेड्समैन में आपने अच्छी वैकेंसी देखा होगा और शायद ही इसकी इतनी अच्छी वैकेंसी आपको कभी कभार ही देखने को मिलती है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, लेकिन आजकल आज के टाइम में जो भी वैकेंसी मोस्टली जो आ रही हो कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे ही आ रही है, ठीक है, संविदा पे जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, कभी भी उसमें आपको निकाला जा सकता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब। और यहाँ पे हम बात करें कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब आई है ये आपके वन ईयर के लिए, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो ये तीन साल के लिए एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अगर आपने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन किसी अदर चैनल से लिया है तो हो सकता है आपको इस चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जरूर इस वीडियो को लास्ट देखिएगा, जो भी आपके डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स यहाँ पे 814 सीटें, इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पे 184 सीटें, फिटर की 627। जो मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई वो 30 साल है। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रीशियन और फिटर या इलेक्ट्रॉनिक जो कैटेगरी से हैं, जो SC ST कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से, उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पे वन ईयर जैसे अगर वहाँ पर रखते हैं, वन ईयर कंप्लीट होने के बाद इसके बाद अगर उनको जरूरत पड़ती है तो तीन साल की जो यहाँ पे पेमेंट होगा वो यहाँ पे 20,000 महीने, और सेकंड ईयर जब आप जाओगे तो वहाँ पे 22,000 महीने, फिर 24,000 महीने दिए जाएंगे। पोस्ट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें दिया है कि फिटर में कैटेगरी वाइज कितनी है, ठीक है। इसी पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 814 टोटल है, तो 130 SC है, 57, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटें भी दी गई हैं, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी रखी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 2 ईयर यहाँ पे आपके पास ITI होना चाहिए। अगर आपने ITI 1 ईयर का हो किया है, ठीक है, मान लीजिए ITI अपने 1 साल का किया और अप्रेंटिसशिप भी किया, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ITI आपका 2 साल का होना चाहिए, ठीक है। अब किस स्टेट में, जिस स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, इन्होंने मांगा है, ये आप इस लाइन में देखोगे, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप NSE नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूड बाई मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप लोगों के पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का, ठीक है। दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स कि जो भी स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया, तो आपको वेटेज दिया जाएगा। इन्होंने कहा है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन क्वालिटी मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ से अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ से अगर आपने इन चीज़ों से अगर आपने एक्सपीरियंस भी लिया है अप्रेंटिसशिप करने के बाद, तो आपको यहाँ पर वेटेज भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन की हमने तो बात कर ली, यहाँ पे ITI और अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा, अगर किसी ने एक्सपीरियंस लिया है तो उनको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, यहाँ पर रिजर्वेशन के जैसा हमने बताया SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, इसी प्रकार से अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी, 10 ईयर की छूट यहाँ पर PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स को मिलेगी, इसी प्रकार से आप अदर यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मैथड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो हमने क्वालिफिकेशन तो बता दिया कि आपके पास ITI होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप आपका 1 ईयर का और ITI होना चाहिए 2 ईयर का होना चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है, ये होना जरूरी है। अगर आपने केवल ITI किया, अप्रेंटिसशिप नहीं किया, तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए मैथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, जो सिलेक्शन आपका होने वाला है इसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रोसेस द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड वाइज कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द ITI, ठीक है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरिट बेस ऑन द मेरिट मार्क्स ऑब्टेंड ITI इन द रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे ITI में जितने भी मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके अनुसार यहाँ पे आपकी मेरिट बनने वाली है, तो ITI के परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा हैं, ये समझ लीजिए जिन भी स्टूडेंट्स के 80 प्लस हैं तो उन्हीं का चांस है, 80 से कम तो चांस आप हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने अच्छे परसेंटेज अभी स्टूडेंट्स के आते हैं तो यहाँ पे चांस ही नहीं है। तो फिर भी आप भर सकते हैं आपकी इच्छा, लेकिन जो है यहाँ पे हमने बताया कि कितने परसेंट चांस, मिनिमम 80% और मैक्सिमम जिनके 90-92 हैं ITI में, उनके बहुत ही अच्छे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अगर आप भरेंगे तो आपके यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस है, केवल आपका यहाँ पे ITI में मार्क्स के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसके बाद
देखिए जाना आपको कहीं नहीं, फॉर्म भरना है ऑनलाइन। ऑनलाइन कब से भरना है, तो 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, 1 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपके जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें आपको नाम देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद जब आपका नाम होगा तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा हैदराबाद। तो इन्होंने कहा है शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट विल कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैदराबाद। ठीक है, तो आपको हैदराबाद जाना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब मेरिट में आपका नाम आ जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, डेट्स ऑफ वेरियस पोस्ट सिलेक्शन विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट। ठीक है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मतलब कि सिलेक्ट किए जाएंगे, वो रिजल्ट में आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और आपका ईमेल पे मैसेज भी आएगा जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है वो 11 अप्रैल है और फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अप्रैल है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट को आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो आपका फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल और लास्ट डेट 11 अप्रैल, और जो आपका इसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि डेट एंड टाइमिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेबसाइट पर अपडेट करेंगे, वेबसाइट पर डेट एंड टाइम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट वहाँ पर आपको देंगे कि कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हैदराबाद जाना होगा। और डॉक्यूमेंट जैसा कि हमने बताया कि जो रिजल्ट आएगा वो ITI बेस पे आएगा, मतलब ITI में जितने परसेंटेज है अगर आपके ज़्यादा है तो आपके यहाँ पर नाम आ जाएगा और सीधा से आपको बिना एग्ज़ाम के, बिना प्रैक्टिकल के, बिना इंटरव्यू के आपको यहाँ पे जॉब लगने वाली है अगर आपके ITI में परसेंटेज अच्छे हैं। ठीक है, जनरल कंडीशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जनरल कंडीशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है और कितने साल की है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो है 1 ईयर के लिए यहाँ पे बोला इन्होंने कि जो जॉब होगी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी, ये आप वर्ड देख सकते हैं, ये 1 ईयर के लिए होगी। लेकिन इन्होंने कहा एक्सटेंड अप टू 3 ईयर इंक्लूडिंग द इंडियन टीम डिपेंडिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर उनको ज़रूरत होगी, काम होगा, तो यहाँ पे 3 साल के लिए आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाएगा और 3 साल के लिए जो यहाँ पे सैलरी रखी गई वो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो 3 साल के लगभग तो बढ़ाएंगे और अगर इतना 4-5 साल अगर आप नौकरी कहीं भी कर लेते हो ना तो आपकी घर की स्थिति और आप खुद ही सक्षम हो जाते हो कहीं और जगह खुद का बिजनेस भी खोलने में। तो क्योंकि 20,000 महीने 25,000 महीने काफ़ी होता है। ठीक है, तो फिर भी आपकी इच्छा, आप फॉर्म जरूर भरें अगर आप भरना चाहें तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जॉब है तो बहुत से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, बाहर कर देंगे, क्या करेंगे भर के, तो उनकी इच्छा है। फिर भी हम कहेंगे कि आप भरिए फॉर्म को। ठीक है, इसके बाद और कोई आपका डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, फिर और कोई डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ITI फाइटर टेलीग्राम चैनल नंबर 1 ITI फाइटर ज्वाइन ही कर जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर 8,000 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं और जो भी अपडेट है जैसे रिजल्ट से कोई मतलब नोटिस वगैरह आई है तो वहाँ पे अपडेट मिलती है, कोई मेरिट लिस्ट आई हो या फिर कोई वैकेंसी आई है, मान लीजिए हम उस पर वीडियो नहीं बना सकते तो वहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं, तो उसको ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, उसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।